नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। ट्विटर पर कंगना रनौत का वीडियो भी खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहती है कि महिला का अपमान करने वाले का विनाश सुनिश्चित होता है। तो शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे उस जगह से आते हैं जो कभी दिवंगत धर्मवीर आनंद दिघे का गढ़ था। उन्हें वह अपना गुरु और मेंटर मानते हैं। वही महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने कहा है कि जो मुझे पत्र मिला है उसमें 34 का नाम है, उसे जांच करने की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच बागी विधायक एकनाथ शिंदे आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। तो उधर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना किसकी होगी और किसे मिलेगा पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण, इसे लेकर एकनाथ शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच जंग के संकेत मिलने लगे हैं। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार पर आए संकट को एक वर्ग प्राकृतिक न्याय साबित करने में जुटा है। सरकार गिरने का बेसब्री से इंतजार कर रहा यह वर्ग सोशल मीडिया पर अपनी दलीलें भी रख रहा है कि आखिर क्यों उद्धव सरकार को पल भर के लिए भी नहीं टिकना चाहिए। इन दलीलों में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के घर तोड़ने से लेकर पालघर में साधुओं की लिंचिंग, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी की शिवसेना के द्वारा पिटाई और सांसद नवनीत राणा को जेल में डालने जैसे मामले गिना रहे हैं। ट्विटर पर कंगना का वीडियो भी खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कहती है कि महिला का अपमान करने वाले का विनाश सुनिश्चित होता है। कंगना उस वीडियो में कहती है कि हमारे इतिहास में झांक लीजिए, जिसने भी नारी का अपमान किया उसका पतन निश्चित हुआ है। इतिहास साक्षी है, रावण ने सीता का और कौरव ने द्रौपदी का अपमान किया। मैं उन देवियों के पाँव के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक महिला हूँ। मैं अपने सम्मान के लिए खड़ा होती हूँ। मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। मैं एक महिला होने के नाते सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा करती हूँ, लेकिन मेरा अपमान किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि जब कोई एक महिला का अपमान करता है तो उसका विनाश कोई टाल नहीं सकता है। मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान करने मात्र से नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवाना, इन कर्मों का फल मिल रहा है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे फिलहाल सियासत में छाए हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे भी एक अलग कहानी है। दरअसल शिंदे उस जगह से आते हैं जो कभी दिवंगत धर्मवीर आनंद दिघे का गढ़ था। एकनाथ शिंदे आनंद दिघे को अपना गुरु और मेंटर मानते हैं। कहा जाता है कि उनके नक्शे कदम पर ही वह आज भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे को आनंद दिघे का वारिस भी माना जाता है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने अपना हाव भाव, हुलिया और दाढ़ी बिल्कुल उसी अंदाज में रखते हैं जैसे कभी आनंद दिघे रखा करते थे। आनंद दिघे के बारे में कहा जाता है कि उनके द्वारा लिए फैसलों में खुद बालासाहेब ठाकरे भी हस्तक्षेप नहीं करते थे, खासतौर पर ठाणे जिले से जुड़े मसलों पर। महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की स्थापना के बाद ठाणे शहर में पहली बार शिवसेना ने सत्ता का स्वाद चखा था। शिवसेना सत्ता में आए, उसका महापौर बने, इसके लिए दिवंगत एक आनंद दिघे ने काफी मेहनत की थी। यह उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि ठाणे में आज भी शिवसेना का वर्चस्व है। इस जीत के बाद से आनंद दिघे का कद लगातार बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा भी आया जब उनकी तुलना शिवसेना के बाल ठाकरे के बराबर होने लगी थी। तब शिवसेना में 2 पावर सेंटर हुआ करते थे, एक बांद्रा का मातोश्री था तो दूसरा ठाणे जिले में धर्मवीर आनंद दिघे का आनंद आश्रम। मौजूदा शिवसेना बवाल को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने कहा है कि जो मुझे पत्र मिला है उसमें 34 का नाम है। कभी कम बोलते हैं, कभी ज्यादा बोलते हैं। जो उन्होंने बोला है उसे जांच करने की जरूरत पड़ेगी। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। लिस्ट में कुछ हस्ताक्षर पर संशय है। कानून में जैसा होगा वैसे मैं जांच करूंगा। जांच करने के लिए विधायकों को सामने बुलाना पड़ेगा। अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। देखूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ क्या क्या है, उसके बाद निर्णय लूंगा। नरहरी जिरवाल ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे चिट्ठी भेजेंगे तो सोचेंगे। अभी शिवसेना में अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया गया है। शिंदे ने जो नेता चुना है वह कानूनी तौर पर सही नहीं है। अजय चौधरी के साथ विधायक के आने की जरूरत नहीं होती है। जो पक्ष प्रमुख होता है वही नेता चुना गया। कानून के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने चिट्ठी दी थी और हमने उसी के हिसाब से फैसला लिया। अभी तक पार्टी के नेता के फैसले के अनुसार ही होगा, बाकी कानून के किताब के अनुसार फैसला किया जाएगा। शिंदे के पास अगर 2/3 बहुमत है तो वह चिट्ठी भेजेंगे तो हम देखेंगे। अभी तो शिवसेना की सरकार है, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। दरअसल शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने गुरुवार सुबह अपने साथ 42 शिवसेना विधायक होने का दावा किया है। असल में 3-4 और शिवसेना विधायक गुवाहाटी पहुंचने में सफल हो गए। मुंबई में भी कुछ विधायक शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके चलते शिंदे खेमे में विधायकों के बढ़ने की खुशी है।
महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का कोई और छोर समझ में नहीं आ रहा है। बागी विधायक एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास अकेले शिवसेना के 37 से ज़्यादा विधायक है। शिंदे आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं, यानी मामला अब राज्यपाल के हाथ में जाता दिख रहा है। ऐसे में राज्यपाल को परिस्थितियों को पूरी तरह परखने के बाद ही फैसला लेना होगा, और जब वो फैसला लेंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी ध्यान रखना होगा। दरअसल उद्धव सरकार भी राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी और संविधान के जानकार PDT आचार्य के अनुसार मौजूदा महाराष्ट्र सरकार बहुमत में है, यह मानकर चला जा सकता है, क्योंकि सरकार फिलहाल कोई फ्लोर टेस्ट नहीं हारी है। ऐसे में कैबिनेट फैसला लेता है कि विधानसभा को भंग किया जाए तो राज्यपाल संविधान के प्रावधान के तहत कैबिनेट का फैसला मानने को बाध्य होंगे। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार बहुमत में है? अगर कैबिनेट से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और इसी दौरान राज्यपाल के सामने BJP और बागियों ने दावा किया कि सरकार अल्पमत में है और वह सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि नंबर उनके पास है, तो राज्यपाल के पास विकल्प होगा कि वह सरकार को बहुमत साबित करने को कहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सितंबर 2018 में राज्यपाल ESL नरसिम्हन से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। गवर्नर ने उनकी सिफारिश पर कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले विधानसभा भंग कर दी थी। बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना किसकी होगी और किसे मिलेगा पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुषबाण, इसे लेकर एकनाथ शिंदे और ठाकरे परिवार के बीच जंग के संकेत मिलने लगे हैं। एकनाथ शिंदे ने नया मुख्य सचेतक भरत गोगावले की नियुक्ति कर साफ कर दिया है कि असली शिवसेना तो उनके पास है, पार्टी के ज्यादातर विधायक तो उनके पास है। इससे पहले विधानसभा में शिवसेना के प्रमुख सचेतक सुनील प्रभु ने पत्र जारी कर पार्टी के सभी विधायकों व मंत्रियों को बुधवार की शाम 5 बजे से पहले वर्षा निवास स्थान पर उपस्थित रहने के लिए आदेश दिया था। शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि सुनील प्रभु द्वारा बैठक को लेकर जारी किया आदेश गैरकानूनी है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नया आदेश जारी कर एकनाथ शिंदे को विधायक दल नेता पद से हटाकर अजय चौधरी को नियुक्त किया। इस पर शिंदे की ओर से बयान आया कि पार्टी ने नवंबर 2019 में ही उन्हें विधायक दल का नेता घोषित किया था, आज भी वे विधायक दल के नेता है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि वे तो शिवसैनिक है और शिवसेना के विधायक उनके साथ है। शिंदे के बयानों ने साफ कर दिया है कि वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। आने वाले दिनों में शिवसेना किसकी होगी इस पर विवाद छिड़ेगा। पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर शिंदे और ठाकरे परिवार आमने सामने होंगे। मामला चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की राजनीति को भी साधने की शुरुआत कर दी है, तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट, पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट समेत 7 विधानसभा सीटों, त्रिपुरा की अगरतला टाउन बोर्दोवाली, सुरमा जुबराजनगर, झारखंड की मांडर विधानसभा सीट, दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट और आंध्र प्रदेश के आत्माकुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सब्र रखने में खुद के साथ सचिन पायलट का उदाहरण देकर नई CIC चर्चाएं छेड़ दी है। तो उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फर्जी महिला SDM और नकली पुलिस वालों का अजब मामला सामने आया है। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की राजनीति को भी साधने की शुरुआत कर दी है। NDA की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के प्रस्ताव भी आदिवासी होंगे। भाजपा ने इसके लिए राजस्थान से 5 आदिवासी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। द्रौपदी मुर्मू के लिए मेवाड़ के 5 विधायक प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। आलाकमान ने इन विधायकों को दिल्ली बुलाया है और वे गुरुवार सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुर्मू के प्रस्ताव के रूप में 5 आदिवासी समाज के विधायकों का ही चयन किया गया है। ये विधायक गुरुवार सुबह उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इससे पूर्व बुधवार को भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीना, झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी, पिंडवाड़ा विधायक सम्माराम गरासिया व बांसवाड़ा जिले के गढ़ी से विधायक कैलाश मीना को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलने पर इन 5 विधायकों ने कम समय में दिल्ली जाने की तैयारी पूरी की। साथ में सभी दस्तावेज लेकर सुबह एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इन विधायकों में डबोक एयरपोर्ट पर जोश देखा गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट
पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट समेत 7 विधानसभा सीटों त्रिपुरा की अगरतला टाउन बोरा दोवाली सुरमा जुबराजनगर झारखंड की मांडर विधानसभा सीट दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट और आंध्र प्रदेश की आत्माकुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग चल रही है। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इन चुनावों को बीजेपी के लिए सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। वहीं यूपी की दोनों लोकसभा उपचुनाव में एसपी बीजेपी के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश है। इन सीटों पर परिणाम 26 जून को आएंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। ये दोनों सीटें प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों अखिलेश यादव और आजम खान के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण लोकसभा से इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हुई है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र एसपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे, इसलिए इस सीट का उपचुनाव एसपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी ओर रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा खान को ही सौंप रखा था। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दौरान 10 लोगों की मौत हो गई। घटना के दौरान 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक गोला और पुवाया के रहने वाले करीब 17 लोग 20 जून को हरिद्वार में स्नान करने गए थे। सभी लोग पिकअप में सवार होकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माला मोड़ के पास पिकअप चालक को नींद आ गई, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे के दौरान 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे, तो वही घायलों को भी एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीलीभीत के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमले के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की व्यवस्था करवाई। वही सड़क दुर्घटना का मामला जब सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना को लेकर शोक जाहिर किया है। योगी ने ट्वीट कर कहा कि पीलीभीत में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य तेजी से संचालित करने तथा घायलों के उपचार हेतु निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सब्र रखने में खुद के साथ सचिन पायलट का उदाहरण देकर नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी है। राहुल गांधी के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सियासी चर्चाएं उफान पर है और अटकलों का बाजार गर्म है। विधानसभा चुनाव 2023 में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत का विकल्प तैयार है। पार्टी सचिन पायलट में संभावनाएं देखती है। पंजाब की तरह नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने कहा कि ईडी के अफसरों ने मुझसे आखिरी दिन पूछा कि आपने सब सवालों के जवाब दिए, इतना पेशेंस कहाँ से आता है? मैंने कहा यह तो बता नहीं सकता। राहुल गांधी ने कहा, जानते हो पेशेंस कहाँ से आया? कांग्रेस में 2004 से काम कर रहा हूँ, पेशेंस नहीं आएगा तो क्या आएगा? बता दें कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी का संबंध देने के विरोध में दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान सचिन पायलट बेहद आक्रामक दिखाई दिए थे। सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पुलिस से भिड़ते हुए भी नजर आए। आमतौर पर शांत दिखने वाले पायलट का बेहद आक्रामक हो जाना अचंभित करने वाला रहा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट से चूक हो गई, राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसे हालात नहीं हो पाए। सचिन पायलट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता आपको चुनने में चूक नहीं करेगी, राज्य की जनता सब जानती है। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक फर्जी महिला एसडीएम और नकली पुलिस वालों का अजब मामला सामने आया है। घटना मिसरोद थाना क्षेत्र के एक शादी समारोह की है। एक महिला रिश्तेदार रौब जमाने के लिए शादी समारोह में फर्जी एसडीएम बनकर पहुंच गई। इतना ही नहीं, महिला अपने साथ नक्सली पुलिसकर्मी भी ले गई और उसकी कार में एसडीएम भी लिखा हुआ था। शादी समारोह में महिला रिश्तेदारों पर रौब जमा रही थी। नकली पुलिसकर्मी और एसडीएम लिखी कार का ड्राइवर फर्जी उसके आगे पीछे डोल रहे थे। शादी में मौजूद लोग और रिश्तेदार उसे वास्तव में एसडीएम ही समझ रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि फर्जी महिला एसडीएम की पोल खुल गई। यह देख मौके पर सभी हक्के बक्के रह गए। दरअसल हुआ यूं कि जिस शादी समारोह में महिला एसडीएम बनकर पहुंची थी, उसी में राज्यपाल मंगूबाई छगनभाई पटेल को भी आमंत्रित किया गया था। राज्यपाल जब शादी समारोह में पहुंचे तो फर्जी एसडीएम की पोल खुल गई। असली पुलिस वालों का नकली वालों से आमना सामना हो गया और फर्जी एसडीएम उसके साथियों के साथ धरी गई।
आखिर रिश्तेदार ने बीच बचाव और आग्रह करके फर्जी एसडीएम को तुरंत गिरफ्तार होने से बचा लिया, लेकिन पुलिस ने महिला और उसके एक साथी रोहित कुमार के खिलाफ कार पर एसडीएम लिखवाने और फर्जी आईडी कार्ड के मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अमेरिका के टेक्सास में एक डॉक्टर ने 4 साल के बच्चे की नसबंदी कर दी, जिसके बाद बच्चे का परिवार ह्यूस्टन अस्पताल और वहां के डॉक्टरों पर मुकदमा दायर किया है। तो उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। यह पहली बार है जब भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैथोलिक चर्च के प्रमुख से मुलाकात की। वही रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कटौती किए जाने से इन दिनों पूरे यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। उधर फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस में 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है। वे धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन से लगे दक्षिणी पश्चिमी रूस में ड्रोन हमले से कल बुधवार को एक रिफाइनरी में आग लग गई। इसे यूक्रेन के पलटवार के रूप में भी देखा जा सकता है। दुनिया भर की इन 5 खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका के टेक्सास में एक डॉक्टर ने 4 साल के बच्चे की नसबंदी कर दी, जिसके बाद बच्चे के परिवार ने ह्यूस्टन अस्पताल और वहां के डॉक्टर पर मुकदमा दायर किया है। ह्यूस्टन में एक वकील रैंडी सोरल्स के मुताबिक यह एक घोर लापरवाही का मामला है। उन्होंने कहा कि 4 साल के एक बच्चे की टीवी स्क्रीन पर देखकर सर्जरी करते वक्त डॉक्टर ने यह नहीं देख पाई कि वो गलत ट्यूब को काट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने बीते साल अगस्त में हर्निया के लिए बच्चे की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी। इसमें बच्चे के शरीर पर खुला चीरा नहीं लगाया जाता है। ऑपरेशन का काम टीवी स्क्रीन पर देखकर होता है, लेकिन सर्जरी करते वक्त डॉक्टर ने घोर लापरवाही की और गलत ट्यूब को काट दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह एक सामान्य गलती नहीं है। कोई डॉक्टर शरीर रचना के किसी हिस्से को काटता है तो वह पूरी तरह निश्चिंत होकर ऐसा करता है ताकि मरीज को किसी प्रकार का नुकसान न हो, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। डॉक्टर की इस गलती से बच्चे को भविष्य में प्रजनन संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल ने परिवार को इस गलती के बारे में सूचित किया गया था। उन्हें बताया गया था कि इससे उनके बच्चे के प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। परिवार ने हर्जाने के रूप में डॉक्टर और अस्पताल से $10,00,000 की मांग की है ताकि भविष्य में होने वाले मेडिकल खर्च, दर्द, मानसिक पीड़ा, शारीरिक नुकसान और प्रजनन क्षमता के लिए खर्चों का सामना करना पड़ेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने 10 दिवसीय विदेशी दौरे पर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। यह पहली बार है जब भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैथोलिक चर्च के प्रमुख से मुलाकात कर रहा है। हालांकि पटनायक और पोप फ्रांसिस की इस बैठक को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। यूरोप के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले नॉन रेजिडेंट उड़िया और इटली में पढ़ रहे राज्य के कुछ छात्रों को आज रोम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। इस दौरान सीएम पटनायक ओडिशा के विकास की योजनाओं पर बात करेंगे, साथ ही इन लोगों से घर वापस आने के लिए कहेंगे। मुख्यमंत्री का रोम में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय का दौरा करने के साथ रोम और दुबई में ओडिया डायस्पोरा से मिलने और दुबई बैठक में खाड़ी देशों के निवेशकों को लुभाने का भी कार्यक्रम है। बीते 10 वर्षों में नवीन का पहला और 22 से अधिक वर्षों में ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा विदेश दौरा है। नवीन पटनायक रोम में कृषि, खाद्य संरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश की परिवर्तनकारी पहल पर संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय में संबोधन के दौरान अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही वे यूरोप में प्रवासी भारतीयों के साथ भी बैठक करेंगे। वापस लौटते वक्त नवीन पटनायक 29 जून को एक निवेशक बैठक के लिए दुबई में रुकेंगे, जिसका आयोजन ओडिशा सरकार और फिक्की द्वारा साझा रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही नवीन पटनायक दुबई में बसे उड़िया लोगों से भी बातचीत करेंगे। रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कटौती किए जाने से इन दिनों पूरी यूरोप में अफरा तफरी मची हुई है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ही मॉस्को और पश्चिमी देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर है। यूरोप देशों के नेताओं को इस बात से पसीना आ रहा है कि रूस द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में हेरफेर से अगली सर्दी या उससे पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा। रूस ने स्थिति के लिए यूरोप समेत पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। रूस ने पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के 5 देशों को गैस की आपूर्ति कम कर दी है। इसमें जर्मनी जैसा देश भी शामिल है, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और वह बिजली और ऊर्जा के लिए रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। फिलहाल रूस द्वारा इटली की आपूर्ति करीब आधी हो गई है और ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया जैसे देशों में भी भारी कटौती हो चुकी है।
बता दें कि जर्मनी अपने 35% और इटली 40% गैस आयात के लिए रूस पर निर्भर है। स्थिति देख यूरोपीय देश सर्दियों से पहले भूमिगत गैस भंडारण को भरने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रूसी कटौती से रिफिलिंग स्टोरेज भी महंगा हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि बुल्गारिया, हंगेरी और रोमानिया जैसे देश मौजूदा स्पीड से 80% के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जैसे देशों को भी भंडारण में बहुत मुश्किल होने वाली है। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप के देश रूसी गैस पर 40% तक निर्भर थे। यूरोप ने 2022 के आखिरी तक रूसी गैस पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने का प्लान तैयार किया है। जर्मनी तो अस्थायी तौर पर कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को फिर से शुरू करने के लिए कानून बना रहा है। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्च से पता चला है कि फ्रांस में 4 में से 1 व्यक्ति को सुनने में परेशानी हो रही है। वे धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हैं, मतलब वहाँ की 25% आबादी इससे प्रभावित हो रही है। पहली बार फ्रांस में इस तरह की रिसर्च बड़े लेवल पर की गई है, जिसमें 18 से 75 वर्ष की उम्र के 186,460 लोगों का शामिल किया गया था। रिसर्च करने वालों का मानना है कि पहले केवल छोटे लेवल पर रिसर्च की गई थी, लेकिन इस बार की गई रिसर्च के मुताबिक लोगों को सुनने में समस्या लाइफस्टाइल, सोशल आइसोलेशन व डिप्रेशन व तेज आवाज़ के संपर्क में आने के कारण हो रही है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि कुछ लोगों में शुगर और डिप्रेशन की वजह से सुनने की समस्या हो रही है। वहीं कुछ लोगों को अकेलेपन, शहरी शोर और हेडफोन का यूज करने के कारण परेशानी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में लगभग 150 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सुनने में समस्या महसूस कर रहे हैं। यह संख्या 2050 तक बढ़कर 250 करोड़ होने की संभावना है, इसलिए इसे स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जा रहा है। सरकार को इस गंभीरता से अवगत कराया गया है और उपाय योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। फ्रांस में महज 37% लोग ही हियरिंग एड इस्तेमाल करते हैं। धूम्रपान करने वाले और उच्च BMI वाले लोग भी हियरिंग एड का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए पिछले साल फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने फ्री में हियरिंग एड लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। हियरिंग एड के लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है। यूक्रेन से लगे दक्षिणी पश्चिम रूस में ड्रोन हमले में कल बुधवार को एक रिफाइनरी में आग लग गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। रूस ने बताया कि रिफाइनरी की आग पर जल्द काबू पा लिया गया। आग ने रोस्तोव ऑन डॉन क्षेत्र में एक तेल प्रसंस्करण संयंत्र में औद्योगिक उपकरणों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया और इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। रिफाइनरी ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य करार देते हुए एक बयान में कहा कि आग 2 ड्रोन से किए गए हमले के कारण लगी थी। रिफाइनरी ने और विवरण नहीं दिया, लेकिन सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा कि 2 यूक्रेनी ड्रोन संयंत्र के ऊपर से उड़े और उनमें से एक हीट एक्सचेंजर में जा गिरा, जिसमें आग लग गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने ड्रोन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक मैसेजिंग ऐप चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक ड्रोन को उड़ते हुए और रिफाइनरी से टकराते हुए दिखाया गया था। इसके बाद आसमान में धुएं का एक विशाल गुबार नजर आया। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकी है। रिफाइनरी ने कहा कि उसने नुकसान का आकलन करने के लिए परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस बीच नाटो सदस्य एस्टोनिया ने कहा है कि रूस के एक सैन्य हेलीकॉप्टर ने पिछले हफ्ते उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और इस घटना को लेकर रूसी राजदूत को तलब कर विरोध जताया गया। एस्टोनिया की सेना ने एक बयान में कहा कि रूस का एक MiG हेलीकॉप्टर बिना अनुमति के देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह क्षेत्र रूसी शहर पेस्को के पास था। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।